मामला है। नहीं, कल महावीर जुलूस का झंडा निकाला गया था, उसी क्रम में बरहरिया में एक मस्जिद के पास थोड़ा सा आपसी झड़प हुई थी, उसके बाद पुलिस वहाँ पहले से भी तैनात थी, उसके बाद सूचना पर सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग भी वहाँ पर गए और स्थिति को तुरंत ही नियंत्रण में कर लिया गया। और इस मामले में कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ आम पब्लिक को भी चोट आई है, उनका समुचित इलाज कराया गया, कोई इसमें किसी को गंभीर जख्म नहीं हुआ है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें 35 लोग नामजद हैं और करीब 100 अज्ञात हैं, इसमें से 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो भी इस उपद्रव में शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है और बाकी जो अज्ञात हैं उनके भी पहचान की पक्का प्रयास किया जा रहा है और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन सबको कानून के कटघरे में यथाशीघ्र खड़ा कर दिया जाएगा, इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही आम जनता से अपील होगा कि कृपया किसी के अनावश्यक झूठे बहकावे में नहीं आए। यह एक मामूली झड़प था जो कि उसी समय से उसको समाप्त कर दिया गया है, अब यह मामला समाप्त हो गया है, सभी मिलकर शांतिप्रिय ढंग से रहें और पुलिस इसमें जो भी इस तरह की घटना में शामिल थे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है और आगे करेगी। सर कितने लोग घायल, कितने पुलिसकर्मी और कितने आम जनता? 6 हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं और आम जनता का अभी एग्जैक्ट हिसाब हमको पता नहीं है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि आम जनता में कौन कितने लोग घायल। सर वायरल वीडियो वायरल किया जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी की जा रही है। नहीं, पत्थरबाजी की घटना तो हुई थी, जो कि घटना स्थल पर हम लोग गए थे तो वहाँ दिख रहा था कि पत्थरबाजी तो हुई थी और घटना स्थल पर पत्थर के टुकड़े। सर अगर सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह का कोई अगर भ्रामक खबर फैलाता है या किसी तरह का तो क्या उसके ऊपर? नहीं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह का कोई भ्रामक खबर फैलाता है बिना जिसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती है तो हम लोग उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसको निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई। सर सोशल मीडिया पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि सबसे गलत फैल? मैं यही अपील करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसका सब मिलकर प्रयास करें और यह मामला अब समाप्त हो चुका है, अब इसको अनावश्यक रूप से किसी तरह का तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं।